हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी A50 डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली सैमसंग के A50 डिवाइस में कल एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया था सैमसंग ने। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एंड्रॉयड 10 का अपडेट सैमसंग ने रोल आउट किया इंडिया में, इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो अपडेट फाइल थी सैमसंग के A50 डिवाइस के एंड्रॉयड 10 की, वो अराउंड 1798 MB के आसपास की थी। इसमें आपको मार्च सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो कि 2 महीने पुराना है, और इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो सभी डिवाइसेस में सेम है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो फ्रंट कैमरा है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जो आपका फ्रंट कैमरा है सैमसंग के A50 डिवाइस का, वो है 25 मेगापिक्सल का, लेकिन अपडेट करने के बाद वो 16 मेगापिक्सल का हो चुका है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो सैमसंग के A50 डिवाइस का असल में जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा, वो असल में 16 मेगापिक्सल का ही है। और जो सैमसंग के A50 डिवाइस का 25 मेगापिक्सल शो करता था, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता था। तो दोस्तों, जो असली में सैमसंग का A50 डिवाइस का कैमरा सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, क्योंकि जो सैमसंग के A50 डिवाइस का प्रोसेसर है एक्सिनोस का 9610 का, वो 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरे में। तो दोस्तों, जो आपको सैमसंग के A50 में फ्रंट कैमरे में 25 मेगापिक्सल शो करता था, वो सैमसंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कराता था। तो दोस्तों, ये अपडेट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसको सैमसंग अगले अपडेट में शायद से फिक्स कर सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं सैमसंग क्या करता है अब अगले अपडेट में, कब तक देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो दोस्तों, जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कुछ डिवाइसेस में, वो बैटरी ड्रेन इशू को लेके आ रही है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आ रही है 90% लोगों को नहीं आ रही है, जो 10% लोग हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ऐसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, सिर्फ ये कैमरा और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि बैटरी में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, ये जो बैटरी प्रॉब्लम है ये हर एक स्मार्टफोन में नहीं होगी, ये कुछ ही स्मार्टफोन में देखने को मिल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सैमसंग के A50 डिवाइस को अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर लीजिए, इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सैमसंग अगले अपडेट में फिक्स कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।